आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बेन का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार तड़के 3:30 बजे हीरा बेन मोदी ने आखिरी सांस ली। तबीयत खराब होने के बाद बुधवार की सुबह उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। PM मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और मुखाग्नि भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के अंतिम संस्कार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों से जुड़े और उन्हें दी करोड़ों की सौगात। इस क्षण पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भावुक हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री की मां हीरा बेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां हीरा बेन हमारी भी मां थी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आज एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच डॉक्टर ने बताया है कि उनकी टीम लगातार ऋषभ पंत की देखभाल कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले अब इस दुनिया में नहीं रहे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का गुरुवार देर 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी कैली निसिमेंटो ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शिजान खान को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद आज कोर्ट ले गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिजान की 1 दिन की पुलिस रिमांड को और बढ़ा दिया है। कोरोना एक बार फिर कोहराम मचा रहा है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं इंडिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 के मामले बढ़ रहे हैं। अकेले दिल्ली में ही 11 मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बड़ा आदेश जारी किया है। चाकू रॉड जैसी घरेलू चीजों से कैसे करें हत्या, योगा कैंप के नाम पर रंगरूटों को ये सब सिखाता था PFI। इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र हैदराबाद में NIA की विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया है। जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि इन आरोपियों में 10 तेलंगाना के हैं और 1 आंध्र प्रदेश से है। घर से दूर हैं फिर भी रिमोट वोटिंग से डाल सकेंगे वोट। गृह राज्य से दूर रह रहे करोड़ों भारतीय मतदाताओं के लिए मतदान में हिस्सा लेना अब एक चुनौती नहीं रहा है। चुनाव आयोग पहली बार एक ऐसी EVM का प्रदर्शन करने वाला है जिसमें अपने गृह राज्य से दूर प्रवासी मजदूर भी चुनावों में भाग ले सकेंगे और वोट डाल सकेंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने राम मंदिर को लेकर दिया विवादित बयान। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने राम मंदिर को लेकर बेहद भड़काने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का राज आ गया तो राम मंदिर को तोड़कर पुनः मस्जिद बनाई जा सकती है। उनके इस बयान के बाद से ही नए बवाल ने जन्म ले लिया है। भारत के साथ डिफेंस डील करेगा साइप्रस, एस जयशंकर बनेंगे गवाह, पाकिस्तानी दोस्त तुर्की को दिया करारा जवाब। एस जयशंकर इंडिया साइप्रस डिफेंस पैक्ट, भारत के विदेश मंत्री साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं जहां वह रक्षा डील पर साइन करेंगे। इस डील से भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग का रास्ता खुलेगा। साइप्रस और भारत दोनों ही तुर्की के विवाद से जुड़े हुए हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है।